जैन दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने शायद ये न्यूज सुना है कि झारखंड सरकार जो है, झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है उसे नवंबर में निकालने की बात कही है। और जेएससी ऑफिस भी कई सारे यूट्यूबर गए थे, जहां से ये पता चला है कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो दीपावली के बाद आने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों, पिछली बार अगर हम लोग बात करें तो कई सारे न्यूज़पेपर में ये खबर भी छपा था, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे दैनिक भास्कर की बात करें या फिर दैनिक जागरण की बात करें, जिसमें कहा गया था कि लगभग झारखंड में आने वाले समय में लगभग 13,000 पदों पर झारखंड पुलिस आने की संभावना है। इसको लेकर दोस्तों मैंने खुद भी वीडियो बनाया था, आप सबको याद भी होगा कि जेएससी ने अपडेट किया है कि लगभग 13,000 पदों पर झारखंड पुलिस की वैकेंसी आने की संभावना है। फिर बीच में दोस्तों एक और बार अपडेट हुआ ये खबर, और जिसमें कहा गया कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो 6,000 पदों पर आएगी। इस खबर को भी मैंने दोस्तों आप लोग को अपडेट किया था। और ये सभी चीज़ें दोस्तों देखिए, ये जेएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं अपलोड की थी, लेकिन जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से आप सभी को पता चला था, मुझे भी पता चला था, और इस खबर को मैंने आपको बताया था। यहाँ पे दोस्तों अगर इस खबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अपडेट अभी फिलहाल निकल के आ रही है झारखंड पुलिस को लेकर, तो जेएससी दोस्तों इस वैकेंसी को कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद, यानी कि नवंबर में, दोस्तों दीपावली है 5 नवंबर को, और उसके बाद दोस्तों आप लोग का जो ये वैकेंसी झारखंड पुलिस की उसके निकलने की संभावना तेज है। और मैंने दोस्तों इस देखिए ये चीज़ दोस्तों जब तक सही तरीके से नहीं पता चलती दोस्तों, तब तक मैं वीडियोस नहीं बनाता। और ये दोस्तों जो खबर आई है ये उड़ता हुआ खबर है, और अगर हम लोग देखें तो जो फॉलोअप है, फॉलोअप जो झारखंड के जो खबर छापती है, जो वेबसाइट है, जो झारखंड में जितनी भी घटनाएं होती उसको लेकर खबर छापती है, समाचार एजेंसी है, तो इसके माध्यम से दोस्तों पता चला है कि झारखंड में अभी फिलहाल 4,998 पदों पर झारखंड पुलिस के आने की संभावना है। तो आप खुद से कंपेयर करके देखिए, जो पिछला बार कहा जा रहा था कि झारखंड में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी हम लोग को झारखंड पुलिस की, उस उम्मीद पे दोस्तों पूरी तरीके से पानी फिर गया है। जहाँ कहा जा रहा था कि लगभग 13,000 पदों पर वैकेंसी आने की बात कही जा रही थी, जो बीच में आके 6,000 पदों पर थमा था, और अब दोस्तों उससे भी कम आ गया है। कहा जा रहा है कि 4,998 पदों पर अब ये वैकेंसी आएगी। दोस्तों आरक्षी की वैकेंसी अगर हम लोग बात करें तो लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2015 में, जब मैंने खुद भी इस वैकेंसी को अप्लाई किया था और पूरी तरीके से क्वालिफाई करते हुए दोस्तों मेरिट नहीं बना था, और वो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मेरिट में कटअप से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी नहीं हो पाया था। तो लगभग अगर हम लोग देखें तो इस वैकेंसी को निकले हुए, झारखंड पुलिस आरक्षी की वैकेंसी को निकले हुए अभी तक अगर हम लोग 15 से लेके अभी तक का देखें तो लगभग 8 साल दोस्तों होने को चला है, और ये वैकेंसी अभी तक सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, लेकिन देखने को नहीं मिल रही है। खैर, उत्पाद सिपाही की वैकेंसी है ये तो हम लोग को देखने को भी मिल रही है, हालांकि ये रद्द हो रही है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है। और फिर से अपडेट है यही कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी आएगी तो 4,998 पदों पर आएगी, जिसमें से 3,798 जो पद हैं वो तो फ्रेश पद रहेंगे आपके एकदम, और जो 1,120 जो पद हैं वो बैकलॉग पद रहेंगे। अब बैकलॉग पद क्या है, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो बैकलॉग पद होते हैं दोस्तों, बैकलॉग पद उन पदों को कहा जाता है जो पिछली वैकेंसी में रिक्त रह जाते हैं। अगर हम लोग बात करें 2015 की वैकेंसी की तो वहां पे 1,120 पद रिक्त रह गए थे, जिसके कारण उन बैकलॉग पदों को इस वैकेंसी के साथ अटैच करके निकालने की बात कही जा रही है। अगर हम लोग दोस्तों एक चीज और गौर करें कि जो 1,120 पद रिक्त रहने के पीछे बड़ी कारण है, दोस्तों 1,120 पद मायने रखते हैं किसी भी वैकेंसी को, अगर इतने पद रिक्त रह जाते हैं तो एक बड़ी संख्या में पद जो है रिक्त रह जाते हैं। अगर बात करें तो रिक्त क्यों रह गई थी, 2015 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो सबसे पहले लिया गया था रिटेन एग्जाम, और रिटेन एग्जाम भी लिया गया था तो इसमें दो फेज थे दोस्तों, एक था आपका पीटी का एग्जाम और दूसरा था मेंस का एग्जाम, और उसके बाद फिजिकल रखा गया था। तो जो पीटी का एग्जाम था उसमें काफी सारे बच्चे पास किए थे, और उसके बाद लिया गया था मेंस का पेपर, तो
जैसे कि नॉर्मल ही होता है, जो पीटी का पेपर रहता है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, उसके बाद जो मेंस का पेपर रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो मेंस का पेपर क्योंकि दो पेपर वहाँ पे हो गया था, और उसके बाद दोस्तों फिजिकल हुआ था, उसके बाद मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेरिट लिस्ट। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला था, जिसके कारण क्या होता कि रिटेन में काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए थे। और उसके बाद फिजिकल भी, क्योंकि पहला बार था दोस्तों जब झारखंड सरकार ने 10 किलोमीटर की रनिंग ली थी, और उसी समय से दोस्तों ये जो 10 किलोमीटर की रनिंग है झारखंड में पुलिस की जो बहाली है उसमें शुरू हुआ था 2015 की जो बहाली थी उसी समय से। तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया था 10 किलोमीटर की रनिंग, क्योंकि एक लंबी रनिंग थी, जिसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर बाहर हो गए थे। जिसके कारण क्या हुआ था कि एक तो रनिंग 10 किलोमीटर की हो गई थी, फिर मेडिकल में जाकर वो लोग बाहर हो गए, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेरिट। तो मेरिट लिस्ट जब बना तो इसमें देखिए, खास करके अगर हम लोग बात करें, जो सीट बचा हुआ था उसमें जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें हमारे एससी एसटी कैंडिडेट आते हैं, वहाँ पे जो पद थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा पद रिक्त रह गए थे, और जनरल कैटेगरी के जो सीट थे उसमें ज़्यादा दोस्तों रिक्त नहीं थे पद। तो जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको दोस्तों कभी भी अगर झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सीट जो है अगला बार भी रिक्त रह गई थी। खास करके अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर रिक्त पद रहा था उस बहाली में तो फीमेल कैंडिडेट का पद जो है रिक्त रह गया था, और उनको इतना कम नंबर पे दोस्तों क्वालिफाई किया गया था। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, जब पीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो पीटी का एग्ज़ाम में बहुत ही कम, लगभग 20 प्लस जो भी कैंडिडेट ने स्कोर किया था, तो लगभग सबको या फिर क्वालिफाई करके रनिंग के लिए दिया गया था आगे एडमिट कार्ड। तो वहाँ पे दोस्तों एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी रनिंग में फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि पहला बार उनके लिए भी था 5 किलोमीटर की रनिंग। इससे पहले दोस्तों जब भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है झारखंड में, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग की शुरुआत नहीं की गई थी, और 2015 की बहाली पहली बहाली थी जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग दी गई थी, और वो भी 30 मिनट में दी गई थी, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। तो उसी के मद्देनज़र जब 2017 में आरवी की वैकेंसी आई, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 मिनट बढ़ाया गया था, उन्हें 5 किलोमीटर की रनिंग पूरा करने के लिए 40 मिनट दिया गया था 2017 की जो आरवी की बहाली थी झारखंड में उसमें। तो रिक्त रहने के पीछे दोस्तों इतने सारे पद, 1120 पद जो रिक्त रहते, इसके पीछे कारण था, पहले तो 2 एग्ज़ाम पीटी और मेंस, और तीसरा था पहला बार झारखंड में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रनिंग। तो ये पहला था जिसके कारण दोस्तों ये सभी जो चीज़ें हुई, जो इतने सारे पद रिक्त रहे, इसके पीछे मेन मुद्दा दोस्तों मेन कारण यही था। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर था नहीं उसमें, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कि मैंने खुद भी उसमें क्वालिफाई किया था, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो था नहीं, और कटअप भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 50 से 60 के बीच में ही गया था। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये वैकेंसी अगर इस वक्त निकलती है नवंबर महीने में, अगर दोस्तों ये वैकेंसी हम लोग को देखने को मिलेगी, तो ये वैकेंसी भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज बटी हुई रहेगी। उसमें भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों 60% जो सीट है वो तो रिजर्व रहने वाली है, और जो 40% सीट है वो ओपन रहने वाली है। पिछला बार क्या होता 2015 की वैकेंसी में, उसमें दोस्तों ओनली फॉर जो कैंडिडेट थे वो झारखंड के थे, क्योंकि रघुवर सरकार ने उस टाइम जो वैकेंसी निकाला था उसमें जो 10th पास था वो झारखंड से होना कंपलसरी रखा गया था, जो कि दोस्तों यहाँ पे अभी जो वैकेंसी निकलेगी उसमें दोस्तों ये जो कंडीशन है उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जो सोनी कुमारी वाला केस हुआ बहुत बड़ा मैटर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से रिजर्व नहीं रखता था, इसलिए 60-40 का जो नियोजन नीति बना है उसी के तहत दोस्तों ये वैकेंसी भी निकलने वाली हो। तो इसमें तो दोस्तों 60% सीट जो है रिजर्व रहेगी और 40% ओपन रहेगा, जो कि पिछले बार नहीं था। देखिए पिछले बार नहीं था ये कंडीशन, इसी के कारण दोस्तों ये सीट बची भी थी। अगर ये कंडीशन अगर पिछला बार भी जो अभी नियोजन नीति है 60-40 वाला नियोजन नीति अगर पिछला बार भी रहता तो दोस्तों एक भी पद अभी तक बैकलॉग में आपको देखने को नहीं मिलता। जो बैकलॉग की सीटें अभी रिक्त पड़ी हुई है 1120 पद, वो अभी आपको देखने को नहीं मिलता अगर वो कंडीशन नहीं लागू होता झारखंड से मैट्रिक पास। तो यहाँ पे इस चीज़ को ओपन किया गया है, ओपन बहाली रहेगी, 40% ओपन रहने वाला है इस ये वाला वैकेंसी में, तो फिर यहाँ पे सीट बचने का तो कोई सवाल ही नहीं, और कंपटीशन तगड़ी होने वाली है लगभग। अगर हम लोग देखें, देखिए मैं पूरी तरीके से दोस्तों दावा नहीं करता हूँ कि नवंबर में वैकेंसी आएगी भी, अभी भी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे लगता है हम लोगों ने 30 से 40 बार ये
न्यूज़ सुना है कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो आएगी। हम लोग अगर देखें तो 2015 की बहाली के बाद लगातार ये चीज़ हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो झारखंड पुलिस की बहाली है वो आएगी, अगला महीने आएगी, अगला साल आएगा, उसके बाद वाला साल आएगा, उसके बाद वाला साल आएगा, ऐसे करते करते दोस्तों 8 साल बीत चुका है लेकिन ये वैकेंसी देखने को नहीं मिला। तो विश्वास करना तो पॉसिबल होता ही नहीं है जैसे के ऊपर कि ये जो कहते हैं वो ये करेंगे, है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों अपडेट यही है कि जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी जो 13,000 पदों पर निकलने वाली थी, बीच में 6,000 था निकलने की संभावना, और अभी घटकर आ गया है 4,998 पदों पर, जिसमें लगभग 4,000 के आसपास दोस्तों फ्रेश पद रहने वाले हैं आपके, और 1,120 जो है वो बैकलॉग के पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखने वाली बात हुई कि नवंबर महीने में हम लोग की ये वैकेंसी देखने को मिलता है अथवा नहीं मिलता है। अगर निकलेगा भी दोस्तों तो इसमें देखिए सबसे पहले अभी सरकार ने जो फिजिकल पहले लागू किया है, तो पहले फिजिकल होगा और उत्पाद सिपाही का तो जैसे मैंने कहा ही है, कल ही दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड किया था आप लोग के लिए उत्पाद सिपाही वाला, कि उत्पाद सिपाही का हाल अभी बुरा है और इसमें क्या होगा आने वाले समय में ये कोई नहीं कह सकता है। तो जो रनिंग की तैयारी है उसे अब आप लोग को अपने बुद्धि विवेक के साथ करना है कि नहीं। जो भी अगर आने वाले समय में सेंट्रल की कोई तगड़ी वैकेंसी निकलती है जिसमें लगता है कि आप लोग क्वालिफाई करिएगा, तो डेफिनेटली भरिए और उन सब की तैयारी करिए अच्छे से। क्योंकि अगर झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकलती भी है, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोग, अगर झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकलती भी है तो सरकार के पास भी दोस्तों या फिर जेएससी के पास भी ज़्यादा समय नहीं बचेगा इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 2024 जून के बाद झारखंड में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी सरकार जो है वो नियुक्ति नहीं कर सकती है। तो ऐसे में अगर वैकेंसी निकलती भी है, RFID के तहत अगर रनिंग लिया जाता है, RFID जो टेक्नोलॉजी झारखंड सरकार ने लागू किया है, इसके तहत सभी जो दौड़ है वो लिया जा रहा है, तो अगर इसके तहत दौड़ लिया गया तो फिर तो ये वैकेंसी पूरा होने जा रहा है। क्योंकि जो कैंडिडेट भरेंगे इस फॉर्म को वो बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे। आप लोग उत्पाद सिपाही को ही देखिए, इसमें लगभग 5 लाख के आसपास कैंडिडेट ने इस फॉर्म को भरा था और 1 लाख के आसपास दोस्तों जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया था। तो इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए पहले फिजिकल को करवाना, कंडक्ट करवाना, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, ऊपर से आचार संहिता लागू होगी। तो अगर वैकेंसी निकलती भी तो इसकी भी पूरी होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इसलिए मैं यही कहूँगा आप लोग से कि अगर सेंट्रल लेवल की कोई भी अच्छी वैकेंसी निकलती है तो उसकी तैयारी में अच्छे से जुटिए। बाकी झारखंड पुलिस की अगर वैकेंसी निकलती है तो फिर बाद में उस वैकेंसी को उस हिसाब से तैयारी करिएगा, आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे उस हिसाब से करिएगा। क्योंकि ये खबर दोस्तों बार बार हम लोग सुनते आए हैं और वैकेंसी हम लोग को देखने को नहीं मिला है, तो उतार चढ़ाव काफ़ी रहा है यहाँ पे। तो अब आप लोग को अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है कि आप लोग को क्या करना है अथवा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों देखिए अगर वैकेंसी निकलेगी तो एज लिमिट में भी छूट आपको देखने को मिलेगा। जो कोविड में जो एज आप लोग का बढ़ा है वो ऐसे में दोस्तों एज लिमिट है, क्योंकि जो भी वैकेंसी अभी तक देखने को मिला है जैसे ने जो भी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल के दिनों में निकाला है उस सभी में एज लिमिट में छूट देखने को मिला है। जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी रहेगी उसमें भी एज लिमिट में आपको छूट देखने को मिला है, लेकिन एज लिमिट में छूट लेके ही आप लोग क्या करिएगा जब ये वैकेंसी पूरी होने की संभावना इसकी बहुत कम रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों यही अपडेट था झारखंड पुलिस को लेकर। आई होप कि आप लोग समझदार होंगे और समझदारी से काम लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।